हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की एडिटिंग। आप किस तरह से इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं अपने पिक्सार्ट की मदद से। तो आज मैं आपको इसी विजुअल एडिटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहेगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा यार, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो यार, क्योंकि आपके लिए डेली नए कंटेंट लेकर आता हूँ। तो इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है भाई के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और यार, चैनल पर नया आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। इसे हम जैसे सेंड कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उन्हें किस तरह से डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो मैंने इसी वीडियो में दे दिया है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसे सेंड कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। तो यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों, पिक्सार्ट में आने के बाद हम इस बैकग्राउंड को साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो। तो यहाँ से हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। और टूल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा रिसाइज का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर देना है। तो हम टैप कर देंगे और टैप करते ही यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर ऐड कर देना है। तो ऐसे हम 5000 ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है स्क्रीन पर क्या शो होता है। तो ऐसे हम देख लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2590 शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट घटाकर यहाँ पर दोबारा डाल देना है। तो ऐसे हम 2589 डाल देंगे। तो ऐसे मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा बैकग्राउंड को सारा यहाँ पर बढ़ चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने फोटो को। तो वही फोटो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने मॉडल के लिए ये वाले फोटो को सिलेक्ट करा है। इसे आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है कटआउट के ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे। और कटआउट के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर देना है। तो ऐसे हम टैप कर देंगे। टैप करते आपको यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे हम साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ऐसे हम छोटा कर देता हूँ। और छोटा करने पर आपको यहाँ पर मॉडल के ऊपर इस तरह से आउटलाइन फेर लेना है। तो उसमें फेर लेंगे। आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो उसमें डन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी हद तक यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट हो चुका है। और जो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो भाई आपको ये वाले ब्रश वाले आइकन पर जाकर यहाँ पर टैप कर देना है। तो उसमें टैप कर देंगे। टैप करने पर आपको यहाँ पर साइज थोड़ा सा छोटा रख देना है। तो उसमें छोटा रख देंगे। और इसके बाद आपको जहाँ जहाँ सेलेक्ट करना है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर मॉडल के यहाँ पर आउट पार्ट आ रहा है, इसे आप इरेजर वाले ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो उसे हम टैप कर देंगे इस पर। और टैप करने पर आपको इस तरह से हटा लेना है। और सारा का सारा हट जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो उसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा मॉडल क्रॉप हो चुका है। इसे आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और बड़ा करने पर आपको यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर लगा देना है, जो आपका हाथ यहाँ पर छाते के डंडे पर आना चाहिए। तो ऐसे हम इधर से लगा देंगे। और लगाने पर आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो ऐसे हम डन कर देंगे। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा जो मॉडल का फेस यहाँ पर क्लियर नहीं सो रहा है। तो इसे हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में। तो उसे हम चले जाएंगे। और टूल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपके यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एडजस्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसे हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ब्राइटनेस के ऑप्शन पर। तो उसे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ा देना है। तो ऐसे हम ब्राइटनेस को इस तरह से बढ़ा देंगे। यहाँ पर मैं करीब 25 कर देता हूँ। और 25 करने के बाद आपको यहाँ पर रबर के आइकन पर चले जाने हैं। तो ऐसे हम चले जाएंगे। आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करते हमारा जो इफेक्ट यहाँ पर हट चुका है। अब आपको जहाँ जहाँ ऐड करना है, आप ब्रश वाले आइकन पर टैप कर दीजिए। और टैप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो ऐसे हम छोटा कर देंगे। और छोटा करने पर आपको यहाँ पर फेस पर इस तरह से ऐड करते जाना है। तो ऐसे हम ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाथ पैर और मुंह पर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ब्राइटनेस ऐड कर ली है। और सारा का सारा ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हम मॉडल का जो पैंट है, इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले जाएंगे। जिसके पिक्सार्ट में सारे के सारे फिल्टर नहीं आ रहे हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है पिक्सार्ट अनलॉक वर्जन नाम से। उस वर्जन को जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम अप्लाई कर देंगे MB4 का इफेक्ट। तो ऐसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए आपको ऊपर नजर आ रहा होगा रबर वाला आइकन, इस पर हम टैप कर देंगे। तो ऐसे मैं टैप कर देता हूँ। और टैप करके आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो इफेक्ट यहाँ पर हट चुका है, अब आपको जहाँ पर ऐड करना है, आप ब्रश वाले आइकन पर टैप कर लीजिए। तो ऐसे हम टैप कर लेंगे। और टैप करने में आपको यहाँ पर साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो ऐसे हम छोटा कर देंगे। और छोटा करने हम थोड़ा सा पिक को जूम कर लेते हैं। तो ऐसे हम जूम कर लेंगे। और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर पैंट पर इस तरह से इफेक्ट ऐड कर देना है। तो उसे हम ऐड कर लेंगे। और सारा का सारा ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो उसे हम डन कर देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हम अगले पीएनजी में ऐड करेंगे। तो पीएनजी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले आना है ऐड फोटो के ऑप्शन में। तो उसे हम चले जाएंगे और अपने पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वाले पिंजर को सेलेक्ट कर लिया है, इसे हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ब्लेंड के ऑप्शन में, तो हम चले जाएंगे और ब्लेंड के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर चले जाना है ऑप्शन वाले ऑप्शन में, तो ऐसे हम चले जाएंगे। और ऑप्शन को आपको थोड़ा सा लो कर देना है, तो ऐसे हम लो कर देंगे। और लो करने आपको यहाँ पर चले जाना रबर के आइकन पर, तो ऐसे हम चले जाएंगे। और रबर वाले आइकन पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो बाहर बाहर जो इफेक्ट है इसको आपको हटा देना है, तो ऐसे हम हटा देंगे। आपको सिर्फ शर्ट और पैंट पर रहने देना है इफेक्ट को, और बाकी का सब आपको यहाँ पर हटा देना है, तो ऐसे हम हटा लेंगे। और सारा का सारा हट जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम हेयर पिंज को सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले आने ऐड फोटो के ऑप्शन है, तो ऐसे हम चले जाएंगे और अपने हेयर पिंज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हेयर पिंज को सिलेक्ट कर लिया है, आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर अपनी हेड पर इस तरह से लगा देना है, तो ऐसे हम लगा देंगे। और लग जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना रबर के आइकन पर, तो ऐसे हम चले जाएंगे। और रबर के आइकन पर आने के बाद आपको यहाँ पर हेयर को कुछ इस तरह से नीचे का भाग इस तरह से हटा देना है, तो ऐसे हम हटा देंगे। और हट जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पिक्सार्ट का काम था वो कंप्लीट हो गया है, इसे हम रिटच करेंगे लाइटरूम में। तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में, तो ऐसे हम चले जाएंगे। और ड्रॉ वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो अभी आपको यहाँ पर सेव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते आपकी जो फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब इस फोटो को आपको ओपन कर लेना लाइटरूम में, तो ऐसे हम इसे ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों लाइटरूम में फोटो ओपन करने के बाद आपको ये वाले आइकन पर चले जाना है, तो ऐसे हम चले जाएंगे। ये वाले आइकन पर आने के बाद आपको एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। आप अपनी फोटो के मुताबिक आपको जैसा ठीक लग रहा है आप इस तरह से सारी सारी सेटिंग करते जाइएगा। तो ऐसे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और आपको हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और शेडोज़ को आपको माइनस कर देना है, तो ऐसे माइनस कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो ऐसे हम डन कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन में चले जाना है, तो ऐसे हम चले जाएंगे। ये वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा सैचुरेशन का ऑप्शन, इसको आपको बढ़ा देना है, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा वाइब्रेंस का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा देना है, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और बढ़ जाने पर आपको यहाँ पर डन कर देना, तो ऐसे हम डन कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर चले जाने अगले वाले ऑप्शन में, तो ऐसे हम चले जाएंगे। ये वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और डीएच को आपको माइनस कर देना, तो ऐसे माइनस कर देंगे। और आपको बिजेंटो को भी यहाँ पर थोड़ा सा लो कर देना, तो ऐसे हम लो कर देंगे। और इसके बाद आपको हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और इतना करने पर आपको यहाँ पर डन कर देना, तो ऐसे हम डन कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना नीचे वाले टूल में, तो ऐसे हम चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको शार्पनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको बढ़ा देना, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे। और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रिड्यूस का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा देना है, तो हम बढ़ा देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल को भी बढ़ा देते हैं। और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा देना है, तो हम बढ़ा देंगे। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा डिटेल का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, तो हम बढ़ा देंगे। और इतना करने पर आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो हम डन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी फोटो कितनी बढ़िया दिखने लगी है। आप देख सकते हैं पहले कुछ इस तरह की थी और अब इस तरह की हो चुकी है, तो फोटो में एकदम जान सी आ गई है। अब दोस्तों इस फोटो को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है थ्री डॉट के ऑप्शन पर, तो ऐसे हम चले जाएंगे। थ्री डॉट के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सेव टू डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। इस तरह से आपकी जो फोटो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। आपको इस चैनल पर रोज नए नए एडिटिंग के ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवा देना इस चैनल को सब्सक्राइब। तो अब तक के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।